अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम जी वरहमतुल्लाह। पापा जी क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा पापा जी, लास्ट टाइम हमने इंटरव्यू किया था कैडी कबूतरों की हिस्ट्री के बारे में, तो आज मैं उसी सिलसिले में कुछ और आपसे क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। कि सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आपने कौन कौन सी नस्ल रखी हुई? मेरे पास कैडी है, कमग्गर है और चीने से पापा जी। इन तीनों नस्लों में परवाज़ के लिहाज से आपका एक्सपीरियंस किसके साथ बेस्ट रहा? इन तीनों में टैडी बेस्ट है, परवाज़ के लिहाज से, हर लिहाज से बेस्ट है। मतलब प्योर का रिज़ल्ट अच्छा है या क्रॉस में रिज़ल्ट अच्छा? टैडी प्योर का भी बेस्ट है, मैंने तकरीबन 90% प्योर ही बाया है और 10% मेरे पास कमग्गर ही थे पहले टैडियों से, तो इनके साथ भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा। यानी कि टैडी प्योर भी अच्छा हाँ। रिज़ल्ट और कमगरों के साथ क्रॉस में भी अच्छा रिज़ल्ट। बाकी और किसी ने और नस्लों में भी डाले होंगे, मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने ये कमगरों के साथ ही क्रॉस करके उड़ाया तो अच्छा रिज़ल्ट रहा है, ज़्यादा मैंने प्योर उड़ाया। और पाजी सेबे वालों का कैसा रिज़ल्ट रहा? सेबे वाला मेरे पास चीना था कबूतर, ये खुद भी प्योर ही था, प्योर ही चीने थे, ये कमगरों में से चीने बने, तो ये मेरे पास उड़ा था, अच्छा उड़ा था शाम तक। फिर इसका नाम कैसे डाला है सेबे वाला? ये जो ये एक दिन नहीं आया, गिर गया, मौसम थोड़ा गर्म था ज़्यादा, तो फिर ये अगले दिन आया तो टांग पे किसी ने इसके सेबा बांधा हुआ था, तो उसी से ही सेबे वाला तो आगे उसकी आगे नस्ल है जो उसकी ब्रीड मेरे पास सेबे वाले चल रहे हैं। ठीक, चले ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा, इंशाल्लाह फिर इंटरव्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।